हाय फ्रेंड, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग। वो ब्लॉग शुरुआत मेरी तीर्थ धाम से हुआ, जिस धाम का नाम है सिमरिया तीर्थ धाम। जैसे कि आप पहचान में देख सकते हैं, आगे पुल है, उस पुल का नाम राजेंद्र सेतु है। जैसे नीचे रेड ट्रेन चलती है और ऊपर वाहन चलती है, और जैसे आगे देख सकते हैं गंगा घाट है, और गंगा घाट में लोग स्नान कर रहे हैं और बच्चा जो है डुबकी मार मार करके पैसा भी खोजते हैं। देखिए, तो गाय जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग जो है सिमरिया में आए हुए हैं, और मेरी दीदी जो एक ब्लॉग शूट कर रही है जो कि माय फर्स्ट ब्लॉग है इनका। सिमरिया से जो है ये जर्नी स्टार्ट कर रही है, मतलब कि यूट्यूब पे जो है कदम रख रही है। तो इनका चैनल का जो है लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप सर्च कर सकते हैं शर्मिला साहनी ऑफिशियल, मिल जाएगा। इसका जो है फर्स्ट ब्लॉग है, उसके बाद जो है आपको रेगुलर देखने को मिल जाएगा। और अभी ये ब्लॉग खुद ही करेगी, जितना भी होगा सिमरिया में शूट ये खुद करेगी, मैं जो है शूट नहीं करूंगा। तो यही मेरी दीदी जो है शूट करेगी और कुछ दिखाएगी सिमरिया में क्या क्या चीजें हैं। मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ आई हूँ सिमरिया धाम पर। देखिए, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ एक छोटा रूम है, रूम के इधर देखिए। देखिए, मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। देखिए, मेरी सिस्टर के यहाँ आई हूँ। यहाँ देखिए मेरी मम्मी क्या कर रही है। मेरी मम्मी प्याज काट रही थी, प्याज काट ली, उसके बाद चिकन धोई। चिकन धोने के बाद देखिए चिकन है, ये चिकन मैं ही बनाऊंगी। देखिएगा किस प्रकार मैं बनाऊंगी चिकन। देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर है, देखिए क्या कर रही है छोटी सिस्टर। ये छोटी सिस्टर मेरी वाली देखिए मसाला पीस रही है। ये क्या क्या पीस रही है बहन जी? लहसुन, जीरा, मरीच। बोलो और क्या रही है? आदि है, आदि भी पीस रही होगी? नहीं, आदि नहीं है। आदि नहीं है, थोड़ा सा आदि और लहसुन थकुच करके रख देना, उछल देना। खे मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। पहले चटनी कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसके बाद तेल डाल रही हूँ। देखिए देखिए चिकन में कितना सारा तेल पड़ता है, देखिए इतना तेल रखी हूँ। उसके बाद देखिए ये अदरक है और लहसुन है, ये मैं भी रखती हूँ। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद जीरा डालूंगी, उसके बाद पत्रज डालूंगी। पत्रज डालने के बाद अदरक लहसुन डालूंगी, उसके बाद है जो प्याज डालूंगी। तेल हीट हो गया है, सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी, उसके बाद है पत्रज डालूंगी। और पत्रज डालने के बाद जीरा डालने के बाद देखिए मैं क्या डालती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, ये अदरक, देखिए ये अदरक है, जूम करके बताती हूँ। देखिए अदरक है और ये लहसुन। अब मैं अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए प्याज डाल रही हूँ। प्याज लाल हो चुका है, अब मैं चिकन डालूंगी। देखो मैं चिकन डाल रही हूँ, कितना सारा चिकन है, देखिए इतना चिकन बन रहा है। देखिए फ्रेंड, अब चिकन में मैं मसाला डाल रही हूँ। ये जीरा मरीच, अदरक, लहसुन था, उसके बाद देखिए ये हल्दी है, हल्दी पाउडर। इतना हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद देखिए ये मिर्ची पाउडर है, कितना तीखा है कितना नहीं है अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिमरिया में पहली बार चिकन बनाने जा रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाज नहीं है कि मिर्ची कितना तीखा है। और ये देखिए ये धनिया है और धनिया देंगे, धनिया देने के बाद उसके बाद अब मैं देखो क्या करती हूँ। देखिए चिकन को मस...
मसाला के साथ मिलाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये चिकन बन चुका है। मैं देसी प्रकार से चिकन बना रही हूँ। देखिए खाने के बाद क्या पता चलता है, कितना टेस्टी बना है और ना बना है, वो खाने के बाद बताऊंगी। देखो मुर्गा बन करके तैयार हो चुका है, अब मैं खाने जा रही हूँ। देखिए खाने में इसका क्या स्वाद है। मुर्गा तो लग रहा है बहुत टेस्टी बना, तो टेस्टी बन रहा है, टेस्टी बन गया है। देखिए मैं खाती हूँ, क्या मुर्गा है, देखिए तो क्या चिकन है। फ्रेंड देखिए मेरी छोटी वाली सिस्टर का दुकान है, देखिए सब क्या क्या बेचती हैं। देखिए ये सिमरिया धाम का सिंदूर है, ये देखिए चंदन है, और देखिए ऐसे बहुत सारा सामान है। और इधर आइए हम दिखाते हैं क्या है। ये चूड़ी लाठी है देखिए, और पूजा करने वाला घंटी दीप सब चीज है। देखिए शंका फुला है, और देखिए यहाँ क्या है, ये भी देखिए सिंदूर ही है, और ये देखिए क्या है, देखिए ये सब ये गुड़िया है, और देखिए ये भी मेरी छोटी वाली सिस्टर है, ये देखिए मेरी छोटी वाली सिस्टर है। देखिए देखिए बहन जी सब कैसे बेचती हैं, 120 रुपया दिखाओ, 120 रुपया कर। देखिए देखिए मेरी सिस्टर 120 रुपया में बेचती है, देखिए कितना झटका से लगा देती हूँ। देखिए जूम कर मैं दिखाती हूँ, देखिए 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 फ्रेंड कितना अच्छा अच्छा लगती है। देखिए देखिए येल्लो कलर का लेना है तो शंखा भी लीजिए, देखिए ये येल्लो कलर का है, देखिए कितना शानदार नजारा आ रहा है, देखिए देखिए कितना। और देखिए ये बच्चे के लिए देखिए खिलौना है झुनझुना, इसको झुनझुना बोला जाता है। हाय फ्रेंड, मैं अब अपने घर आ चुकी हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।